ये दुनिया फानी है, एक दिन सबने इसे छोड़कर जाना है। अगर इस दुनिया में रहते हम किसी के काम आए, किसी की मुस्कुराहट की वजह बने, तो क्या बात है। आदाब नाज़रीन, पुकार न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। ज़िला डोडा से हमारे नुमाइंदे शेख शब्बीर की रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे एक नाबालिग बच्चे की, जो कि 9th क्लास के तालिब इल्म है, जिनका नाम समीर अहमद नाइक वलिद बशीर अहमद नाइक। इनका ताल्लुक ज़िला डोडा से है। नाज़रीन, समीर पिछले 8 माह से कैंसर के मर्ज में मुब्तला है और इस वक्त वो स्किम्स सोवरा में ज़ेर इलाज है। इनके इलाज मुआलजा में कम अज कम 10 लाख रुपयों का खर्च आता है। हम भी लोगों से इमदाद करने के लिए चाहते हैं कि हमें गरीबों को कुछ मदद होनी चाहिए, ताकि ये बच्चा ठीक हो जाए। जी हाँ ना, इसीलिए आप सब लोगों से इल्तिजा है कि आपसे जितनी हो सके उतनी इनकी और इनके वालिद साहब की इमदादी मदद करें। हमारा एक छोटा सा कदम, हमारी एक छोटी सी रकम इस बच्चे को जिंदगी और इनके इलाज में कम से कम 10 लाख रुपयों का खर्चा आता है, और इनके वालिद साहब के पास इतनी रकम नहीं कि वो अपने बच्चे को इस मर्ज से बचा सके। इसीलिए आप सब लोगों से इल्तिजा है कि आपसे जितना हो सके आप उतनी इनकी इमदादी मदद करें, ताकि समीर भी आपकी और मेरी तरह अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जिए और अपने वालिदैन के साथ रहे। समीर और उनके डिटेल्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनके अकाउंट नंबर्स, उनका एड्रेस, सब कुछ इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर आ रही है। आप खुद भी ये केस वेरीफाई कर सकते हैं, आप खुद इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जितना हो सके आप उतनी इनकी इमदादी मदद करें, ताकि समीर भी एक आम बच्चे की तरह अपनी जिंदगी बसर कर सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुकार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से कम 40 से 45 किलोमीटर दूर के इलाके मजमी देसा के अंदर। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यहां इस इलाके के अंदर एक शख्स जिसका नाम बशीर अहमद न्यायिक है, उसके फर्जंद समीर अहमद न्यायिक बहुत ही बीमार हैं, जो इस वक्त सौरा सकीम श्रीनगर में एडमिट हैं। सबसे पहले मिशन नेकी में हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे ये इल्तजा करते हैं कि जिस शख्स की जहाँ तक हिम्मत हो, जहाँ तक अल्लाह तबारक ताला ने उसको अस्तताअत दी है, वो इस शख्स की मदद करें ताकि वो अपने बच्चे की जान फिर से बचा सकें। वो इस वक्त सकीम सौरा में एडमिट हैं और वो इस वक्त लोगों से, अपनी आवाम से मदद के तलबगार हैं। इसी तनाजुर में सरपंच साहब मजमी के यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि हम सरपंच से इसलिए बात कर रहे हैं, उनके घर के जितने भी सदस्य हैं, यानी उस पेशेंट की, समीर अहमद न्यायिक की माँ, उनके पापा, उनके घर वाले सारे उनके साथ सकीम सौरा में इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, इसीलिए सरपंच के साथ हम यहाँ बात करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, आप क्या अपील करेंगे लोगों के साथ? जी, मैं सरपंच अब्दुल लतीफ न्यायिक पंचायत मजमी से, हमारे कज़न भाई बशीर अहमद का लड़का समीर अहमद, जिसकी उम्र 14 साल है, जो कि 8 महीने से अलील बीमारी, जैसे कैंसर की बीमारी में मुबतला है, और 8 महीने से इलाज मालजा के लिए तरस रहा है, और इलाज मालजा के लिए उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो कि उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है। हमने गांव के अंदर भी चंदा वगैरह किया, लेकिन 1 लाख या 1.5 लाख रुपये की बात नहीं है कि उस चंदे से उसका कुछ गुजारा हो सकेगा। काफ़ी पैसा लग रहा है, क्योंकि उसका जो ब्लड कैंसर है और साथ में ही और भी एक बीमारी उसके अंदर उजागर हुई है, अल्लाह की मर्ज़ी है, और काफ़ी परेशानी है। घर घरेलू हालात जो है उनकी काफ़ी कमज़ोर है, BPL तबका से ताल्लुक़ रखता है, घर में कमाने वाला वाहिद शख्स बशीर अहमद था, और समीर अहमद 9th क्लास का तालिब इल्म था, अल्लाह की मर्ज़ी है, और इस वक्त वो मदद का तालिबगार है। हम पूरे कौम से, उम्मत मुस्लिमा से इल्तिजा करते हैं कि जितनी भी हो सके समीर अहमद के लिए मदद फरमाई जाए, और ऑनलाइन उसका अकाउंट जो है ब्रांच गई देसा में, वो अकाउंट नंबर भी हम आपको आपकी इस चैनल की वसात से लिखा देंगे,
और जितना भी हो सके समीर अहमद की जान की बचाव के लिए मदद फरमाई जाए, ताकि बच्चा है, हर किसी का बच्चा होता है। और मैं तमाम लोगों से, पूरी कौम से इल्तिजा करूंगा कि अपने सदकात खैरात से नवाजें और समीर अहमद की जान की बचाव के लिए इमदाद फरमाएं जितना भी हो सके। जी हाँ नाजरीन, ये थे सरपंच साहब मजमी अब्दुल लतीफ़ न्यायिक। इसी के साथ हमारे साथ समीर अहमद, जो कि अलील बीमार हैं सौरा सकिम्स में, इस वक्त वो ज़ेर इलाज हैं, इसीलिए इल्तजा की जा रही है उम्मत मुस्लिमा से कि वो कम से कम जितना भी हो सके उनसे तो वो उनकी मदद करें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश और इस जंग में वो जीत सकें। इसी तनाजुर में यहाँ उनके दादू भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी आपसे व्यूवर से कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे और लोगों से इमदाद के लिए कहेंगे। जी आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बोलो। हम भी लोगों से इमदाद करने के लिए चाहते हैं कि हमें गरीबों को कुछ मदद होनी चाहिए, ताकि ये बच्चा ठीक हो जाए। जी हाँ नाज़रीन, ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि ये 8th क्लास का स्टूडेंट, जो इस वक्त 9th क्लास में होना चाहिए था, कोविड-19 के चलते पहले ही कोविड महामारी ने पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर इसको पूरे बच्चों के साथ खिलवाड़ करके रखा था। लेकिन समीर अहमद न्यायिक की जो कहानी है ये इससे कुछ अलग है। 8th क्लास में उन्हें 98% मार्क्स लेकर के उन्होंने एक सीट निकाली थी, लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी न रख सके। इस वक्त वो सकीम सौरा में ज़ेर इलाज हैं। उसके पापा ने, बशीर अहमद न्यायिक ने, अभी तक उनके ऊपर 16 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा कर चुका है, और एक गांव और देहात के अंदर एक मज़दूर तबके के इंसान के लिए इतना खर्चा करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आखिरकार उसको उम्मत मुस्लिमा के सामने आना पड़ा और उनको ये मदद हासिल करना पड़ी। इसीलिए गुजारिश कर रहे हैं उनके मम्मी पापा, उनके दादू, उनके घर वाले जो BPL कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, कि हम उनकी मदद की जाए, ताकि उनके बच्चे की ज़िंदगी फिर से बहाल हो सके और वो फिर से दूसरे बच्चों के साथ उठ फिर सके, पढ़ सके, अपनी ज़िंदगी के ख्वाबों को पूरा कर सके। इसी तरह से नाज़रीन आप देखते रहें पुकार न्यूज़। शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त। वसलाम।